के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को किसी को गद्दार कहने का हक नहीं है। गृहमंत्री ने चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस पलायन की कोशिश करती है, कांग्रेस संगठन समाप्ति की ओर है। वहीं वसीम रिज़वी के हिंदू धर्म अपनाने पर गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति सबको गले लगाती है। इसके साथ ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। जब तक वो उनके साथ थे थे देर का सामान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए, ये देश सोचना चाहिए। देश के गद्दार पहले सोचे, जो टुकड़े टुकड़े जन के समर्थक थे वो देश के गद्दार है, और जो देश के गद्दार है उन्हें किसी से गद्दार कहने का अधिकार है। ये सब जैसे की जमात है जो इस तरह की बात करती है। जिसमें चुनाव कोई भी कराए आप, कांग्रेस इससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े भाजपा ने, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो अगर जाएगा उसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस जाएगी, एक चेहरा जाएगी, एक चेहरा नहीं जाएगी। अरे वहां पर मैं क्यों भाई, जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता तो सबको गले लगा के चलती है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली भारतीय जनता है, भारत की जनता है। हमारे यहाँ तो जब भी कोई रामायण समाप्त हो, गीता समाप्त हो, भागवत सप्ताह समाप्त हो, तो सबके कल्याण की बात की जाती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला यही धर्म है, और इसलिए वो आए हैं। भारत स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी जहां जहां पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की शिकायतें मिली हैं, हम वहां की सीमा पर चौकसी बढ़ा रहे हैं और एहतियात पूरी की पूरी चिंता के साथ लागू कर रहे हैं। होमगार्ड परेड ग्राउंड में 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा